तो दोस्तों दूध के साथ हमारे पौधे में मट्ठा, छाछ या दही भी बहुत फायदा करता है। तो जैसे दही को हम इस पे बाटल में ऐसे भरेंगे, दही को मत लेंगे, पतला करके छान के हम इस पे में भर सकते हैं, लेकिन स्पेयर बाटल में। लेकिन दोस्तों आज हम मट्ठा लिए हैं जो हमने दही को जमाया था फर्मेंटेशन करके, और उसका मक्खन निकाल के जो ये छाछ बचता है मट्ठा, उसको हमने आधा लीटर इस बाटल में डाला और आधा लीटर पानी और थोड़ा सा काला नमक डाल के मैं एक हफ्ता के लिए पेड़ की छांव में रख दी थी, जिससे थोड़ा धूप भी लगे बाकी छाया थी। इससे ये बहुत अच्छा डिकम्पोस्ट हो जाता है काला नमक द्वारा, और पौधे को बहुत फायदा करते, बहुत एनर्जी पहुंचाता है। दोस्तों इसमें छाछ में हम अपने पौधों को हरा भरा और स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। इसका हम फंगस में को रोकने के लिए भी स्प्रे कर सकते हैं, ये कीटनाशक भी है। और ये माह में हम दो बार अपने पौधों की जड़ों में या स्प्रे के द्वारा पत्तियों में भी स्प्रे कर सकते हैं, और सीधे जड़ों में भी हम पौधों के दे सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा करेगा, क्योंकि इसमें दही में लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया मानव जीवन के साथ साथ हमारे पौधे को भी बहुत उपयोगी होता है। छाछ में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम बहुत अधिक पाया जाता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और फास्फोरस भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। छाछ में मौजूद बैक्टीरिया हमारे पौधों के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो दोस्तों इसको हम उपयोग कैसे करेंगे वो बताएंगे। जैसे ये अब एक हफ्ता हमने इसको रखा था, आधा छाछ था और आधा पानी, थोड़ा काला नमक। तो हम इससे 4 या 5 गुना पानी में इसको मिला सकते हैं, और मिलाकर हम अपने पौधे को जड़ों में डाल सकते हैं मिट्टी में, या फिर हम इस पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने ये मिला लिया, ये देखिए ये बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो ये कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा।